स्वागत है आप सभी का। साथियों, काफी दिनों से आप लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हो। सो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देख सकते हो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1400 पोस्ट नोटिफिकेशंस 2020-21 टुडे बिग अपडेट। एक बड़ी खबर निकल कर आई हुई है दोस्तों, जरा देखिएगा। यहाँ पर बताया गया सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2020-21। आपको बता दें दोस्तों, इसमें सारा डिटेल्स आ गया है कि इसमें एज किस डेट से ली जाएगी और एज ओबीसी जनरल और एससी एसटी का कितना लिया जाएगा। आपको बता दें इसमें ये भी आ चुका है कि पोस्ट कितने पदों पर इसकी वैकेंसी आएगी और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुका है जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन डेट क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सीबीटी जॉमिस्ट्री। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर जरा आप लोग देखिएगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट 2020-21। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर बताया गया है सीआरपीएफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट 2020 कैंडिडेट विथ 12 पास कैन अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों यानी 12 पास जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जरा देखिएगा, काफ़ी दिनों से इन पदों पर भर्ती होने के लिए इंतज़ार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आया। सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में इन पदों पर काफ़ी दिनों से सीट खाली पड़े थे, लेकिन अब जल्द भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां दोस्तों नीचे सभी कुछ बताया गया है कि इसका अप्लाई ऑनलाइन डेट आखिर में क्या है, किस दिन से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एचसी मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज 2020-21, जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020-21 के रिगार्डिंग। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो बताया गया है लेटेस्ट अपडेट 14/12/2020 यानी आज का ही आया हुआ एक लेटेस्ट अपडेट है। ज़रा देखिएगा आगे क्या बताया गया है। द अपकमिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑफ सीआरपीएफ will be announced soon in 1400 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी 1400 पदों पर सीआरपीएफ बहुत जल्द ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्ती निकालने जा रहा है। कैटेगरी वाइज पोस्ट एंड अदर डिटेल इंफॉर्मेशन एज बिलो, यानी दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट और अदर डिटेल नीचे बताया गया है। चलिए देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बताया गया है क्लिक हियर टू डाउनलोड लेटेस्ट न्यूज़पेपर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग वैकेंसीज फॉर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट। यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लिक करके जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर कटिंग है उसको देख सकते हो इसके नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग। आगे देखिएगा क्या बताया गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट सीआरपीएफ, यानी दोस्तों सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर इसका आवेदन कर सकते हो जब आएगा। दोस्तों यहां पर बताया गया है डिटेल ऑफ वैकेंसीज, यानी डिटेल के बारे में बताया गया है वैकेंसी के डिटेल। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पदों पर आपकी भर्ती आएगी, 1400 पद रहेगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट इज अनाउंस्ड वेरी सून, यानी बहुत जल्द ही अनाउंस्ड हो जाएगा। आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पर बताया गया है एज लिमिट बिटवीन 18 से 25 जनरल वालों की। दोस्तों आपको बता दें 18 से 25 जनरल वालों की एज रहेगी और 1 जनवरी से एज काउंट किया जाएगा सभी उम्मीदवारों का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जरा देखिएगा 18 से 28 ईयर ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 18 से 30 ईयर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज मांगी जाती है। दोस्तों यहां पर जरा बता दें हम आप सभी को, 25 में +3 करोगे यानी 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, 28 ईयर जो कि ओबीसी वालों का हो जाएगा और 25 में +5 करोगे यानी आपका जो कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है,
30 ईयर मांगा गया है एससी एसटी वालों की, कैंडिडेट वालों की एज। यहाँ पर जब आओगे आप लोगों को दिख गया होगा पे स्केल 5200 से 20200 शुरुआती इसका जो कि पे स्केल बनती है। जी हाँ दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ दोस्तों जरा देखिएगा, काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन नीचे बताया गया है अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। दोस्तों 100 रुपीज हर कैंडिडेट का जो कि अप्लीकेशन फ़ी रहेगी। आगे आप लोग जैसे ही आओगे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के बारे में यहाँ बताया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट मे विजिट द वेबसाइट CRPF, यानी दोस्तों जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वह विजिट करके अपना जो कि देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जब आएगा। आगे बताया गया है अप्लाई ऑनलाइन विल बी स्टार्ट इज वेरी सून, यानी दोस्तों इसका अप्लाई ऑनलाइन बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे बताई गई है मोस्ट एक्सपेक्टेड अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट इन जनवरी लास्ट वीक। आपको बता दें दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आखिर में इसकी वैकेंसी किस महीने में आएगी। सबसे बड़ी उम्मीद यही बताई जा रही है कि जनवरी लास्ट वीक तक इसका जो कि आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग खुद ही यहां पर देख सकते हो। दोस्तों आपको बता दें आगे लेकिन बताया गया है बट एलिजिबल कैंडिडेट में विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन दोस्तों जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए वह विजिट करते रहें लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को। क्यों विजिट करते रहें? क्योंकि इसकी नोटिफिकेशंस कभी भी जारी किया जा सकता है, कभी भी, यानी फिक्स नहीं है कि जनवरी में ही आपका नोटिफिकेशंस आएगा। यानी दोस्तों कभी भी अब इसका आवेदन स्टार्ट हो सकता है, कभी भी ऑफिशियल साइट पर जो कि नोटिफिकेशंस आ सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा संभावना लेकिन बताई गई है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है जनवरी लास्ट वीक तक आप लोग मान लीजिए कि इसका जो कि आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीचे बताया गया है अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन एज बिलो, नीचे और सभी इन्फॉर्मेशन आया हुआ है जितने भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जनवरी लास्ट वीक तक अपना वेट कर लीजिए, और आपको बता दें दोस्तों अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते रहिए। तो बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 1400 पद हैं, 1400 पद बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि हार्ड भी जो कि प्रिपरेशंस आपको करना पड़े, क्योंकि दोस्तों मेरिट भी थोड़ा हाई जा सकती है। काफ़ी दिनों के बाद यह भर्ती आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा जो कि इसमें जो कि कंपटीशन भी देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी फिर आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि समस्त दोस्तों तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी तरह दोस्तों मिलती रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।